Hello friends, how are you? I hope you all are healthy and well-being. So welcome back in our channel. Myself, Abhishek Kumar, and we are the mentor. So today I will discuss very important and interesting chapter of the 11th NCERT that is the cell, the unit of life. It means how to life form through cell, because we each know cell is the basic unit of life. So in this particular chapter, we detail discuss about cell. So I hope you all enjoy this video. So if you like my video, so please subscribe my channel and like share my video with friend. And if you want to join my social media handle, so I provide a link in the super box and about section on my channel. So please go through about section on my channel and click the social media icon and join with us. So I hope you really appreciate with me. So watch the video and keep support. Hello friends, welcome back to another new video. So now we discuss about plastids. In our previous video, we discuss about mitochondria. So अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाके प्रीवियस वीडियो को देखिए और माइटोकॉन्ड्रिया को कॉन्सेप्ट क्लियर करिए. सो लेट्स बिगिन. तो फर्स्ट वी रीड व्हाट इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आफ्टर दैट टर्बुलेंट इज नथिंग बट सिंपल एंड इजी वर्ड्स. सो प्लास्टिड क्या होता है, इसको किसने डिस्कवर किया था, सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा. तो प्लास्टिड को डिस्कवर किसने किया था, सबसे पहले क्वेश्चन तो यही आता है भाई प्लास्टिड इसको किसने खोजा. ठीक है, तो हमारे एक साइंटिस्ट थे. कौन से साइंटिस्ट थे, स्किम्पर नाम के साइंटिस्ट थे. इन्होंने प्लास्टिड को डिस्कवर किया. क्या किया, डिस्कवर किया है ना, इसको डिस्कवर किया प्लास्टिड को, है ना. अब प्लास्टिड का काम क्या होता है, प्लास्टिड को तो भाई डिस्कवर कर दिया गया, बट इसका काम क्या होता है, ये क्या करेंगे, पिगमेंट को कंटेन करेंगे. इसमें क्या पाया जाएगा, पिगमेंट पाए जाएंगे, है ना. आगे देखते हैं, प्लास्टिड आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल एंड इन यूग्लोनाइट, है ना. जो प्लास्टिड होते हैं, प्लास्टिड जो होगा प्लांट सेल में ही पाया जाएगा, है ना, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, सारे के सारे कैरोटोनाइट, सारे पिगमेंट जो होते हैं प्लांट में होंगे. इसके बेसिस पे प्लांट के कलर होते हैं, है ना. और यूग्लोनाइट में क्यों बोला, क्योंकि यूग्लोनाइट जो होता है ये मिक्सोट्रॉपिज्म शो करता है. क्या करता है, मिक्सोट्रॉपिज्म का मतलब होता है यूग्लोनाइट मिक्सोट्रॉपिज्म का मतलब हुआ ये एनिमल और प्लांट दोनों की तरह बिहेव करेगा. जब सनलाइट प्रेजेंट होगी तो यूग्लिना जो होता है ये प्लांट के तरीके हेल्प करता है. इसमें क्लोरोफिल पाए जाएंगे, तो ये प्लांट के तरीके हेल्प करेगा, यानी फोटो ऑटोट्रॉफ, यानी अपना खाना खुद बना लेगा. ठीक है, जब सनलाइट अब्सेंट होगी तो ये क्या करेगा, एनिमल के तरीके हेल्प करेगा, यानी हेटरोट्रॉफ के तरीके हेल्प करेगा, यानी दूसरी चीज़ों को ये इंगल्फ करके खा जाएगा. ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं मिक्सोट्रॉपिज्म. तभी इसमें पिगमेंट कंटेनिंग सबस्टेंस है, ये प्लास्टिड पिगमेंट कंटेन करता है, तो इसीलिए इग्नोनाइट का भी एग्जांपल दे दिया गया, क्योंकि इग्नोनाइट में भी ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाएगा, क्लोरोफिल पाया जाएगा, जो कि प्लांट के तरीके एक्ट करेगा. समझ गए होंगे आप. आगे देखते हैं, प्लास्टिड आर फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल सेल एंड इग्नोनाइट में, है ना. दीज आर इजिली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज, है ना. प्लास्टिड को हम इजिली माइक्रोस्कोप के देख सकते हैं, इजली माइक्रोस्कोप के नीचे रख के हम देख सकते हैं कि ये प्लास्टिड है, है ना. क्योंकि क्यों देख सकते हैं, क्योंकि इसका जो साइज होता है ये लार्ज होता है, है ना. अदर ऑर्गेनल थे, माइटोकॉन्ड्रिया था हमारा, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स था, इनका साइज बहुत छोटा था, उसको हम नहीं देख पा रहे थे माइक्रोस्कोप से आसानी से, मतलब नॉर्मली उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख रहे थे, इसको माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं क्योंकि ये लार्ज होते हैं. दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट, इसमें क्या होगा, कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट होंगे. बियर का मतलब होता है धारण करना, यानी इसमें जो होंगे स्पेसिफिक पिगमेंट के बेसिस पे इनको प्लांट को कलर मिलता है ना. स्पेसिफिक पिगमेंट के बेसिस पे क्या मिलेगा, प्लांट को कलर मिलेगा. दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट दस इम्पॉर्टिंग स्पेसिफिक कलर ऑफ प्लांट, उसके स्पेसिफिक पिगमेंट के बेसिस पे प्लांट को स्पेसिफिक कलर मिलता है. ठीक है, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड कैन बी क्लासिफाइड इंटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, है ना. कलर के बेसिस पे, पिगमेंट के बेसिस पे प्लास्टिड को क्लासिफाइड कर दिया गया क्लोरोप्लास्ट, है ना, क्लोरोप्लास्ट में, और किस में, क्रोमोप्लास्ट में. ये भी क्रोमा का मतलब ही होता है, क्रोमा का मतलब होता है कलर्ड सबस्टेंस. क्या होता है, कलर्ड सबस्टेंस, क्रोमा का मतलब ही होता है कलर्ड सबस्टेंस, है ना. और ल्यूकोप्लास्ट, है ना, ल्यूकोप्लास्ट ये होंगे, क्या होंगे, ये कलर लेस होंगे, है ना. ल्यूकोबार्ड जो होता है इसमें बायोलॉजी में व्हाइट कलर से रिलेट करते हैं, यानी जो व्हाइट है तो यानी वो कलर लेस, उसमें कोई कलर नहीं है, व्हाइट को हम कलरलेस ही मानते हैं. ठीक है, बट व्हाइट लाइट, जो व्हाइट लाइट होती है हमारी, व्हाइट लाइट में क्या आती हैं, सारी की सारी मिक्स लाइट्स होती हैं. व्हाइट लाइट में सारी तरंगे होंगी, सारी कलर की लाइट्स होंगी. ठीक है, बट व्हाइट कलर को हम कलरलेस ही मानते हैं.
ठीक है, आगे देखते हैं। द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है, क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल को कंटेन करेगा। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं, लीफ की मेसोफिल सेल में पाई जाती हैं। कहाँ पे, लीफ प्लांट की लीफ में, लीफ में कहाँ पे भी मेसोफिल, मेसोफिल सेल में ये पाया जाता है क्या, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट देखो, जो मेसोफिल लीफ हुई, लीफ की मेसोफिल में क्या पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है, क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल कंटेन करता है। क्लोरोफिल का काम क्या होता है, क्लोरोफिल का काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करता है। प्लांट फोटो ऑटोट्रॉफ के तरीके बिहेव करेगा, अपना भोजन खुद बनाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटेनॉइड पिगमेंट। कैरोटेनॉइड पिगमेंट का काम क्या होता है, ये एसेसरी पिगमेंट है। कैसे हैं, एसेसरी पिगमेंट हैं, एसेसरी पिगमेंट होते हैं, ये एसेसरी पिगमेंट होते हैं। ये सनलाइट को ट्रैप करेंगे, पकड़ेंगे, और वो एसेंशियल होती है सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए, इसलिए सनलाइट को वो ट्रैप करते हैं लाइट एनर्जी के फॉर्म में, और फोटोसिंथेसिस में अपना योगदान अदा करते हैं। ठीक है, कैरोटेनॉइड विच रिस्पॉन्सिबल फॉर, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है लाइट एनर्जी को ट्रैप करने में, जो कि एसेंशियल होती है फॉर फोटोसिंथेसिस। जो लाइट एनर्जी होगी फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल होगी, यानी प्लांट अपना भोजन बनाएगा इसलिए जरूरी होगी। ठीक है, इन इन द क्रोमोप्लास्ट, इन द क्रोमोप्लास्ट फैट सॉल्युबल कैरोटेनॉइड पिगमेंट लाइक कैरोटीन, जेंटोफिल एंड अदर आर प्रेजेंट, है ना। जो क्रोमोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट में क्या होते हैं, क्रोमोप्लास्ट में फैट सॉल्युबल पिगमेंट जो होता है कैरोटेनॉइड, है ना। जो कैरोटेनॉइड क्या होता है, ये फैट सॉल्युबल पिगमेंट है, ये याद रखेंगे। ये सिर्फ फैट में ही सॉल्युबल है, यानी फैट में ही घुलनशील है, इसके अलावा ये कहीं घुलेगा नहीं। ठीक है, कैरोटेनॉइड हो गया, और क्या हो गया, कैरोटेनॉइड पिगमेंट में क्या आएगा, कैरोटीन आएगा, है ना, कैरोटीन आएगा, और क्या आएगा, और आएगा जेंटोफिल आएगा, कैरोटीन जेंटोफिल एंड अदर पिगमेंट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं कैरोटीन में, कैरोटेनॉइड में। ठीक है, आगे क्या है, दिस गिव द पार्ट ऑफ द प्लांट ए येलो कलर, ऑरेंज कलर और रेड कलर। इसके बेसिस पे ये जो होते हैं, कलर के बेसिस पे प्लांट को ये कलर देते हैं, अपने पिगमेंट के बेसिस पे प्लांट को कलर देते हैं, येलो कलर देंगे, है ना। जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है वो ग्रीन येलो कलर का होता है, है ना, ग्रीन येलो कलर का होता है। और ये प्लांट को कलर देंगे, इसके बेसिस पे येलो हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, रेड कलर का हो सकता है, है ना। जो लीकोप्लास्ट होता है, हमने क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट को डिस्कस कर लिया, अब क्या आया, ल्यूकोप्लास्ट आया। ल्यूको का मतलब मैंने आपको बताया कि ये ल्यूकोवर्ड जो होता है बायोलॉजी में, इसको हम रिलेट करते हैं वाइट से, इसको मतलब होता है वाइट, है ना, इसका मतलब होता है वाइट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस, ये ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं कैसे होते हैं, कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। ठीक है, ऑफ वेरिड शेप और साइज विथ स्टोर न्यूट्रिएंट, है ना। ये इनका, ये कलरलेस होते हैं, ये अपने साइज के बेसिस पे, शेप के बेसिस पे वैरी कर सकते हैं, और ये न्यूट्रिएंट कौन सा स्टोर कर रहे हैं, है ना, इसके अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट या पिगमेंट स्टोर हो रहा है, इसके बेसिस पे भी वैरी कर सकते हैं, है ना। एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट क्या होता है, अब ये आया, ये देखो ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट हमने देखा, उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट देखा, ल्यूकोप्लास्ट भी डिफ्रेंशिएट हुआ गया एमाइलोप्लास्ट, है ना। एमाइलोप्लास्ट जो करेगा कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेगा, हीलियोप्लास्ट जो ऑयल को स्टोर करेगा, और क्या होगा, एल्यूरोप्लास्ट जो प्रोटीन को स्टोर करेगा, है ना। ये किसके डिफ्रेंशिएशन हुए, ल्यूकोप्लास्ट के। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट का क्या हुआ, ये एमाइलोप्लास्ट हो गया जो कि स्टोर करेगा किसको, कार्बोहाइड्रेट को, सॉरी कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेगा, कार्बोहाइड्रेट में स्पेशली स्टार्च, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में स्पेशली स्टार्च को ये स्टोर करेगा, कौन, एमाइलोप्लास्ट। स्टार्च किस में पाया जाता है, पोटैटो में स्टार्च पाया जाता है, आलू हम लोग खाते हैं ना, उसमें स्टार्च होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, इलियोप्लास्ट, इलियो इसके नाम से ही पता चल रहा है, इलियो, इलियो देखो, इलियो से ऑयल, इसी से हम ऑयल बना सकते हैं ना, इलियो वर्ड से हम दो वर्ड निकाल देंगे, ओ आई एल, तो इससे क्या बन गया, ऑयल। तो यानी इलियोप्लास्ट जो होगा वो क्या करेगा, ऑयल स्टोर करेगा और फैट, ऑयल और फैट स्टोर करेगा। ठीक है, आगे क्या हुआ, जो एल्यूरोप्लास्ट हुआ, एल्यूरोप्लास्ट एल्यूरियन की लेयर पाई जाती है, मोनोकॉट,
मोनोकॉट में क्या है, एलुजॉन की लेयर पाई जाती है, वहाँ पे क्या था वो प्रोटीन को स्टोर कर रहा था, है ना, प्रोटीन को बना रहा था, एलुजॉन की लेयर पाई जा रही थी मोनोकॉट में, वो किसकी बनी हुई थी, प्रोटीन की बनी हुई थी, मैंने आपको बताया था, है ना, मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में, प्लांट मॉर्फोलॉजी में, तो उसी से रिलेट कर लेंगे। जो एलुरियन होता है, क्या होता है, एलुरियो होता है, एलुरियो प्लस जो होता है वो क्या करता है, वो प्रोटीन को स्टोर करता है, ये हम देख लेंगे, समझ लेंगे, मेमोराइज कर लेंगे, है ना। ये तो एमाइलो प्लास्ट, इलियो प्लास्ट और एलुरो प्लास्ट, ये किसके हैं, लीकोप्लास्ट के, किसके हैं, ये लीकोप्लास्ट के डिफ्रेंसिएशन है, ठीक है। आगे देखते हैं, मेजोरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट आर फाउंड इन मेसोफिल सेल ऑफ लीफ। मैंने आपको बताया था क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट जो पाया जाता है वो प्लांट की लीफ में पाया जाता है, लीफ में भी कहाँ पे, मेसोफिल सेल में, है ना। क्लोरोप्लास्ट जो पाया जाएगा वो ग्रीन प्लांट में पाया जाता है, ग्रीन प्लांट की लीफ की मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ये ग्रीन कलर का होता है, सभी को पता है, ठीक है। दीज आर लेंथ शेप, क्लोरोप्लास्ट जो हो सकता है वो लेंथ शेप हो सकता है, ओवल शेप हो सकता है, किस किस शेप का हो सकता है, इसके शेप कभी कभी पूछ लेते हैं, क्लोरोप्लास्ट को किस किस शेप का होता है, ये लेंथ शेप हो सकता है, ओवल शेप हो सकता है, स्फेरिकल शेप हो सकता है, और डिस्कॉइड शेप हो सकता है, इवन रिबन लाइक भी हो सकता है। डिस्कॉइड शेप का मतलब डिस्क की शेप, यानी तस्तरी के आकार का हो सकता है, इवन रिबन लाइक यानी ये धागे की नुमा भी हो सकता है ना, धागे की नुमा भी हो सकता है। और इसके ऑर्गेनल्स जो होते हैं, इसकी वेरिएबल, इसकी जो लेंथ है वो भी वेरिएबल कर सकती है, वेरिएबल लेंथ का हो सकता है, ऑर्गेनल्स एवल वेरिएबल लेंथ, वेरिएबल लेंथ का मतलब हुआ इसकी लेंथ वेरी कर सकती है, घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, इस टाइप का होता है। इसका जो लेंथ होती है 5 to 10 माइक्रोमीटर होती है, और इसकी लेंथ है ये 5 to 10 माइक्रोमीटर है, बट इसकी जो विथ है, विथ यानी चौड़ाई, विथ या मतलब क्या हुआ, चौड़ाई, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 2 to 4 माइक्रोमीटर जो है इसकी विथ है, लेंथ है जो 5 to 10 माइक्रोमीटर है, यानी इसकी लंबाई, ठीक है। देयर नंबर वेरी फ्रॉम 1 पर सेल ऑफ क्लेमाइडोमोनास ए ग्रीन एल्गा टू 20 to 40 पर सेल इन मेसोफिल, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें हमको ये बता रहा है जो क्लोरोप्लास्ट का नंबर होता है वो वेरी करता है, ये एक हो सकता है पर सेल, है ना, फ्रॉम एक मतलब एक सेल में एक हो सकता है, जो कहाँ पे पाया जाता है, क्लाइडोमोनास में पाया जाता है, है ना, क्लेडोमोनास में इसका नंबर जो होता है वेरी करता है। द नंबर वेरी फ्रॉम 1 per cell ऑफ क्लेमाइडोमोनास, है ना, क्लेमाइडोमोनास की सेल में ये एक हो सकता है, जो कि एक ग्रीन एल्गा है, है ना, और ये 20 से 40 हो सकते हैं पर सेल इन मेसोफिल सेल, है ना, ये 20 से 40 भी हो सकते हैं, 20 से 40 भी हो सकते हैं। इसमें क्या है, लाइक माइटोकांड्रिया, इसके बाद हमको क्या बताया गया है, लाइक माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया के जैसे, है ना, माइटोकांड्रिया जो हमारा था क्या था, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर था, मैंने आपको बताया था डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल था, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स भी बोलते थे इसको, लाइक माइटोकांड्रिया क्लोरोप्लास्ट आल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड, है ना, जो क्लोरोप्लास्ट भी होता है ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। ये किसमें पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है, माइटोकांड्रिया जो था एनिमल में पाया जा रहा था, ठीक है, इसको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स भी बोल लेते, क्या बोल लेते हम लोग, सेमी ऑटोनॉमस क्यों बोल लेते हैं, क्योंकि इसके पास खुद का क्या था, डीएनए था, खुद के इसका डीएनए था, अपना आधा फंक्शन खुद कर ले रहा था, ठीक है। ऑफ द टू द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, है ना, ये जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट, इसमें दो मेम्ब्रेन होंगी तो इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन जो होगी रिलेटिव लेस परमेबल होगी, है ना, रिलेटिव लेस परमेबल होगी, अंदर की चीज़ भाई सभी को परमिशन नहीं देगी ना अंदर जाने के लिए, उसमें कुछ सिलेक्टेड चीज़ें ही जाएंगी, इसीलिए बताया क्लोरोप्लास्ट की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो रिलेटिव लेस परमेबल होती है। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्टोमा, है ना, जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट में जो स्पेस होता है वो क्या बोलते हैं, इसको हम स्टोमा बोलते हैं, स्टोमा यानी ये मैट्रिक्स तरीके काम करेगा, मैट्रिक्स, ठीक है, ये मैट्रिक्स होगा, यानी यहीं पे डार्क रिएक्शन होती है। आगे चल के मैं प्लांट फिजियोलॉजी में आपको अच्छे से बताऊंगा डार्क रिएक्शन क्या होती है, लाइट रिएक्शन क्या होती है, इसके नाम से मतलब डार्क रिएक्शन स्टोमा में होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये रिएक्शन अंधेरे पे होगी, इसमें डायरेक्टली सनलाइट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, बट सनलाइट से बने प्रोडक्ट को ये यूज करता है, ठीक है, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं। आगे चल के बताऊंगा अच्छे से आपको, फिलहाल यहाँ पे नहीं, ठीक है। जो क्या है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो होती है उसको स्टोमा बोलते हैं। ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक कॉल्ड थैलेकोइड, एक इसमें फ्लैटेंड, एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, सैक लाइक, है ना,
फैग लाइक फ्लैटन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, जिनको क्या बोलते हैं हम लोग, थैलेकॉइड बोलते हैं, थैलेकॉइड बोलते हैं, है ना। थैलेकॉइड क्या होते हैं, ये थैलेकॉइड कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ये स्टोमा में प्रेजेंट होंगे, यानी ये मैट्रिक्स में प्रेजेंट होंगे, है ना। ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, मैट्रिक्स में प्रेजेंट होंगे, मैट्रिक्स में प्रेजेंट होंगे, है ना। अगर एक ऐसे जो होगा सिक्का एक होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, थैलेकॉइड बोलेंगे, थैलेकॉइड बोलेंगे, ठीक है, थैलेकॉइड बोलेंगे। जब ये अरेंज हो जाएंगे कॉइल्स लाइक, मतलब जैसे सिक्के के गट्ठे ऐसे 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 अरेंज कर देंगे हम लोग, तो ये पूरा एक स्टॉक बन गया ना, सिक्कों का कॉइन्स का स्टॉक बन गया, तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रेना बोलेंगे। आगे हम बताते हैं आपको, है ना। थैलेकॉइड आर अरेंज, जो फ्लैटनड स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, उसको हम थैलेकॉइड बोलते हैं, है ना, जो कि प्रेजेंट होता है स्टोमा में प्रेजेंट होता है, जो फिगर 8.8 पे हमको बताया गया है। फिगर मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले टेस्ट में देख लेते हैं, ठीक है। थैलेकॉइड आर अरेंज इन स्टॉक, जो थैलेकॉइड जो होंगे वो स्टॉक में अरेंज हो जाएंगे, स्टॉक में अरेंज हो जाएंगे, मतलब ये थैलेकॉइड हुआ, एक और थैलेकॉइड इसके नीचे आ गया, एक और आ गया, तो ये जो स्टॉक बना लिया, ठीक है, यानी ये बना लिया, तो इसको क्या बोलेंगे, ग्रेना बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ग्रेना बोलेंगे, ठीक है। थैलेकॉइड अरेंज इन स्टॉक लाइक पाइल ऑफ कॉइन कॉल्ड ग्रेना, है ना, सिक्के के स्टॉक के रूप में बन जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे, उसको ग्रेना बोलेंगे। इसका जो सिंगल होता है वो ग्रेनम हो जाएगा, ठीक है। और द इंटरग्रेनल थैलेकॉइड और इंटरग्रेनल थैलेकॉइड में अरेंज हो जाते हैं। इन एडिशन देयर आर फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस ट्यूबल्स कॉल्ड द स्टोमा लेमली कनेक्टिंग द थैलेकॉइड टू डिफरेंट ग्रेना, है ना। और इसमें एक क्या फ्लैट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, ट्यूबल लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूबल मतलब ट्यूब लाइक, ऐसे पतले पतले स्ट्रक्चर होंगे, मैं आपको फिगर में बताऊंगा, जो कि क्या करेंगे, इनको क्या बोलते हैं हम, जो मेम्ब्रेनस फ्लैट है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होंगे, इनको स्टोमा लेमली बोलते हैं, जो कि क्या करते हैं, थैलेकॉइड को कनेक्ट करते हैं डिफरेंट ग्रेना से, है ना, डिफरेंट ग्रेना से थैलेकॉइड को वो कनेक्ट करते हैं। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो होंगे, स्टोमा लेमली कनेक्ट द थैलेकॉइड टू डिफरेंट ग्रेना, है ना, थैलेकॉइड और डिफरेंट ग्रेना को वो कनेक्ट करेंगे, ठीक है। द मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड इनक्लोज ए स्पेस कॉल्ड लुमेन, है ना, जो थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन होती है ना, जो थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन होगी, क्या है, मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड इनक्लोज ए स्पेस कॉल्ड लुमेन, है ना, थैलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन होगी इनक्लोज होगी, इसको क्या बोलेंगे, लुमेन बोलेंगे। लुमेन मतलब होता है एक तरह का कैविटी, स्पेस कैविटी, यानी कैविटी इसको बोल सकते हैं, ठीक है, गुहा बोल सकते हैं, कैविटी, ठीक है। लुमेन का मतलब यही होता है, ऐसे इसके बीच का क्या हुआ, ये लुमेन हुआ, ठीक है। द स्टोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम्स रिक्वायर फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, है ना, जो स्टोमा में होंगे वो क्या होंगे, स्टोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट का स्टोमा होगा उसमें क्या होंगे, एंजाइम होंगे, है ना, एंजाइम होंगे, वो किस में ज़रूरत होंगे एंजाइम को, कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस में और प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम होंगे वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, स्टोमा में प्रेजेंट होंगे, क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में जो होंगे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की सिंथेसिस वाले एंजाइम प्रेजेंट होंगे, है ना। इट आल्सो कंटेन स्मॉल, है ना, इसमें क्या होता है, इट आल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम, इसमें क्या होता है, एक छोटा सा डबल स्टैंडर्ड क्या क्या होता है, याद रखेंगे, यहीं से क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे पॉइंट से, है ना। इट आल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, है ना, और क्या होगा, राइबोसोम जो हेल्प करेगा प्रोटीन सिंथेसिस में, हेल्प करेगा प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। जो डीएनए मॉलिक्यूल होगा वो क्या करेगा, इसीलिए इसको बोला गया था सेमी ऑटोनॉमस, क्योंकि ये हेरिडिटी फंक्शन करेगा ये डीएनए मॉलिक्यूल, है ना, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकांड्रिया के पास खुद का डीएनए था, इसीलिए सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स बोला गया था, है ना, हेरिडिटी में हेल्प करेगा, ठीक है। क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन थैलेकॉइड, जो क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट होंगे वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, थैलेकॉइड में प्रेजेंट होंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, हमसे पूछ लेगा क्वेश्चन में कि क्लोरोफिल के जो पिगमेंट होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो हम बोलेंगे थैलेकॉइड में क्लोरोफिल के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। द राइबोसोम ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट का राइबोसोम होता है वो क्या होता है, द राइबोसोम ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर
70S देन साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। मैंने आपको बताया था कि जो क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम पाए जाएंगे और माइटोकांड्रिया में राइबोसोम पाए जाएंगे वो कैसे होंगे, वो होंगे 70S प्रकार के राइबोसोम होंगे, है ना। यस, सेडवर्ग यूनिट, इसकी दो सेडवर्ग यूनिट होती है, इसकी 50S एक लार्ज यूनिट होगी और एक 30S जो होगी वो स्मॉल सब यूनिट होगी, है ना। ये जो 70S के राइबोसोम कहाँ पाए जाएंगे, माइटोकांड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाएंगे, यूकेरियोट में, ठीक है। और जो 80S के राइबोसोम पाए जाएंगे वो साइटोप्लाज्म में पाए जाएंगे, है ना। साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम बोलते हैं, 80S प्रकार के होते हैं। इनकी जो सब यूनिट होती है, इनकी जो सब यूनिट होती है वो कौन कौन सी सब यूनिट होगी, एक 60S हो जाएगी और 40S हो जाएगी। जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, 80S का राइबोसोम बना देंगे जो कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ये भी काम करेगा प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करेगा, ठीक है। इसीलिए ये बताया गया, द राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर 70S, यानी जो राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम होते हैं वो स्मॉल होते हैं देन साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। यहाँ पे हमको दिया गया, देख लेंगे, राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट के जो होते हैं स्मॉल होते हैं जो कि साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम से, ठीक है। अब हम आपको इसका फिगर दिखा देते हैं। यहाँ पे सेक्शन व्यू ऑफ क्लोरोप्लास्ट हमको दिखाया गया है, तो आपको फिगर दिखाते हैं, है ना। क्लोरोप्लास्ट जो था डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर था, उसमें आउटर मेम्ब्रेन थी और इनर मेम्ब्रेन थी। आउटर मेम्ब्रेन हो गई है ये, उसके बाद क्या हुई, इनर मेम्ब्रेन हुई, है ना। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये क्या हुई, ये जो आउटर मेम्ब्रेन, ये हुई इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद ये थैलेकॉइड थे, थैलेकॉइड का स्ट्रक्चर क्या था, अगर एक ऐसा था, एक सिक्का था, जिसको हम बोल रहे थे थैलेकॉइड। जब ये थैलेकॉइड मिल गए और सिक्के की स्टॉक पाइल लाइक स्टॉक बना लिया, कॉइन्स का ये जो बना लिया, इसको क्या बोला ग्रेना बोला, ठीक है। ये ग्रेना कैसे बना, थैलेकॉइड जब अरेंज हो गए एक सिक्के के स्टॉक के नुमा अरेंज हो गए तो वो बना लिया ग्रेना, ठीक है। अब क्या हुआ, जो क्लोरोफिल था कहाँ पे पाया जा रहा था, थैलेकॉइड में पाया जा रहा था। पिगमेंट जो था क्लोरोफिल, ये कहाँ पे पाया जा रहा था, थैलेकॉइड पिगमेंट को कंटेन कर रहे थे, ठीक है। स्टोमा मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स, है ना, ये मैट्रिक्स है, यहीं पे डार्क रिएक्शन होगी। इसमें मैट्रिक्स में क्या क्या पाया जाएगा, स्टोमा में क्या क्या पाया जाएगा, स्टोमा में देखो ग्रेना भी पाए जा रहे हैं, है ना, डीएनए पाया जा रहा है, आरएनए पाया जा रहा है, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। प्रोटीन सिंथेसिस जो होगी कौन करेगा, रूबिस्को करेगा। रूबिस्को क्या होता है, होल बायोस्फीयर में एंजाइम पाया जाता है ना, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन होल बायोस्फीयर इज रूबिस्को, है ना। और राइबोसोम पाए जाएंगे, राइबोसोम किस प्रकार के पाए जाएंगे, 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाएंगे। आपको बताता हूँ क्या क्या पाया जाएगा इसमें, स्टोमा में क्या क्या पाया जाएगा, स्टोमा में ग्रेना भी पाए जाएंगे, राइबोसोम भी पाए जाएंगे, ठीक है। राइबोसोम क्या करेंगे, प्रोटीन करेंगे, डीएनए पाया जाएगा, आरएनए पाया जाएगा, और क्या पाया जाएगा, रूबिस्को भी पाया जाएगा। रूबिस्को होगा मोस्ट अबंडेंट एंजाइम होता है होल बायोस्फीयर का, ठीक है। और ये जो था स्टोमा, जो स्टोमा लेमरी थी, किसको किसको जोड़ रही थी, स्टोमा लेमरी मैंने बताया था ग्रेना और डिफरेंट थैलेकॉइड को जोड़ रही थी, है ना। ये ग्रेना हो गया, ये थैलेकॉइड को स्टोमा लेमरी जोड़ रही थी, जो फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर थी, है ना, फ्लैटेड स्ट्रक्चर था स्टोमा लेमरी, है ना। सो हमने क्लोरोप्लास्ट के बारे में सारा का सारा डिस्कस कर लिया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसमें हम राइबोसोम के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो इफ लाइक माई वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर माई वीडियो विद फ्रेंड। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अलविदा।